हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष रोहित ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप से हिसाब मांगा और उन पर कई वैचारिक हमले किए। उन्होंने कहा कि सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मोदी सरकार की तरह जुमलेबाजी करते रहते हैं, यहां तक कि उनके द्वारा जगजीत नगर गांव को गोद लिया गया था, उसमें आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध तक नहीं करवा पाए। जब सांसद उसका विकास नहीं करवा पाए तो वह अपने संसदीय क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सोलन में फूड फैक्सिंग यूनिट देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक वह नहीं मिल पाया है। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बाहरी देशों से आने वाले सेब के आयात शुल्क को तिगुना करने का वायदा किया था, वो भी नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किए गए, लेकिन एक भी उच्च मार्ग का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया। रोहित ठाकुर ने कहा कि सोलन के सांसद वीरेंद्र कश्यप दो कार्यकाल से सांसद हैं, लेकिन उनके ये कार्यकाल पूरी तरह से असफलताओं से भरे हैं और जो पैसा सांसद निधि में आ रहा है वह केवल अपनी चहेती पंचायतों में चहितों के कहने पर खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद वीरेंद्र कश्यप अपने क्षेत्र में कोई भी नया संस्थान लाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर और शिमला के किसानों से उन्होंने धोखा किया है। जो भी वायदे उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वासियों से और किसानों से किए थे वे पूरे नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि सोलन में मशरूम और टमाटर तो सिरमौर में लहसुन की फसल होती है, लेकिन अभी तक फूड फेसिंग यूनिट नहीं लग पाई है और न ही सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इसीलिए सांसद वीरेंद्र कश्यप अपने कार्यकाल में पूरी तरह से असफल रहे हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में उनके संसदीय क्षेत्र के मतदाता उन्हें देने वाले हैं। सांसद वीरेंद्र कश्यप जी जो लगभग निरंतर दो कार्यकालों से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका पूरे कार्यकाल मैं समझता हूं असफलताओं से भरा है। इस कार्यकाल के दौरान हमारे समस्त संसदीय क्षेत्र में कोई भी नया संस्थान लाने में असफल रहे। इसके अलावा जो सांसद निधि इनको प्रतिवर्ष 5 करोड़ मिलती है, उसके आवंटन में भी मैं समझता हूं एक असमान दृष्टिकोण से नीति अपनाई जा रही है। कुछ चहेतों के कहने पर पैसे का बंटन हो रहा है और मैं तो ये कहता हूं कि जो इन्होंने आज से 4 वर्ष पूर्व एक आदर्श गांव के रूप में अपना एक गांव का चयन किया था, वहां के विकास को देखते हुए एक आईना होगा कि इन्होंने पूरे 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किस तरह से अपने क्षेत्र की अनदेखी की है।